वालेकुम नाज़रीन, ब्रीज टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान। ब्रीज टीवी की खबर पर फौरी एक्शन। डीडाई पुल समुद्री रोड पर पुल के आगे सुई गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए महकमा सुई गैस ने सड़क किनारे खूब गहरी और बहुत ज्यादा तवील सड़क खोदी थी और इसको अढ़ाई माह का अर्सा गुजर चुका था और इस सड़क की खुदाई के बाद इसका काम मुकम्मल नहीं किया जा रहा था। तो हमने अपने न्यूज चैनल ब्रीज टीवी पर बारहा बार इस पर प्रोग्राम किए और अपने ब्रीज टीवी पर नशर किए, जिसके नतीजे में महकमा सुई गैस जो सड़क की खुदाई के अमल में बहुत ही ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता से अमल पैरा था, कभी हल्का सा काम छेड़ा और फिर भूल कर बैठ जाते। हमारे बारहा बार टीवी एक्शन लेने पर फौरन महकमा सुई गैस के अमल में तेजी आई और बारहा बार खबर नशर करने पर महकमा सुई गैस जाग उठा और महकमा सुई गैस सड़क की खुदाई को पाए तकमील तक पहुँचाने की तरफ गामजन हो गया। हमने अपने ब्रीज टीवी न्यूज चैनल के जरिए बारहा बार प्रोग्रामों में अवाम की तकलीफ परेशानियों और मुश्किल को और हादसात को और लोगों के माली और जानी नुकसानात को हुकूमत और महकमा सुई गैस तक पहुंचाया, जिसके नतीजे में महकमा सुई गैस ने काम करना शुरू कर दिया है। अवाम की तकलीफ मुसीबतों परेशानियों दुखों और मुश्किलात का फौरी एक्शन लेने वाला आपका अपना न्यूज चैनल ब्रिज टीवी हमेशा अवाम की आवाज बनकर अवाम के साथ खड़ा रहेगा। जी तो नाज़रीन, यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे इस हवाले से बात करते हैं। आप हमारे न्यूज चैनल ब्रिज टीवी की तरफ से अवाम की परेशानियों दुखों मुसीबतों और मुश्किलात के हल के लिए अवामी कोशिशों की कामयाबी के बारे में हमारे न्यूज चैनल की कामयाबी की तारीफ में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ब्रिज टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनकी वजह से ये जो सड़क टूटी थी इसका काम हुकूमत ने जारी किया है। यहाँ पर बहुत सारे नुकसान होते थे रात को, जिसकी वजह से अवाम को बहुत बड़ा नुकसान होता था, गाड़ियाँ गिरती थी यहाँ पे। और ब्रिज टीवी ने बार बार यहाँ पर प्रोग्राम करके हुकूमत को ये याद दिलाया कि ये सड़क बहुत नुकसानदार है, इसकी वजह से बहुत सी गाड़ियों के एक्सीडेंट होते थे। अब ब्रिज टीवी ने बहुत सारा यहाँ पे काम प्रोग्राम किए हैं, जिसकी वजह से हुकूमत ने इस पर काम करना जारी कर दिया है। मैं ब्रिज टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बार बार इस सड़क की वजह से सड़क पर प्रोग्राम किए, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, आप हमारे ब्रिज टीवी की कोशिश के बारे में आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे न्यूज चैनल की कोशिश के बारे में आप क्या कहेंगे? गल है जी, तुसी ना बहुत अच्छा माशाल्लाह से बहुत बंदे रात नूं डिगदे सी, तो यहाँ पे सी बहुत जगह से काम होने वाला सी। तुहाडी ये कोशिश ना तुहाडी चैनल की वजह ना दो तीन बार प्रोग्राम किया, उन्होंने काम स्टार्ट किया और काम मुकम्मल होने से तकरीब ही पहुंच गया। तुहाडी बहुत बहुत मेहरबानी है। इत्थे बहुत सारे एक्सीडेंट होते रात नूं, तो बिल्कुल ही पता नहीं सी लगता, बड़ी लत्तां बाहां टुट दियां लोकां दियां, कई मोटरसाइकिल गिर गए रात नूं, नहीं सी पता लगता जी। रात को ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं जी, रात नूं पता नहीं सी लगता जी इत्थे कित्थे खड्डा है जी। ते बहुत सारे लोग जिहड़े ना इस तकलीफ दे सी, और तुहाडे प्रोग्राम करन दी वजह ना ब्रिज टीवी दी वजह ना तीन चार दफा जिहड़ा प्रोग्राम किया, और अल्लाह पाक दी मेहरबानी ना यह काम मुकम्मल होण रिहा, और तुहाडी वजह नहीं आ इन्नी दफा प्रोग्राम करने की वजह ना लोगों को इन्नी तंगी सी तकलीफ सी, और इंशाल्लाह तआला दूर हो गई है, और अल्लाह की रहमत ना मजीद आके मुकम्मल जल्दी काम कर देंगे, और तुहाडे ब्रिज टीवी की वजह नहीं है सारा कुछ। जी तो नाज़रीन, आपने लोगों की राय जानी, लोगों का कहना है कि हम ब्रिज टीवी न्यूज चैनल का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि जिनकी बदौलत से इनके बार बार प्रोग्राम करने की वजह से हुकूमत और महकमा तक हमारी बात की रसाई हुई और महकमा सुई गैस ने इस काम को जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया। मैं आपका होस्ट मोहम्मद इमरान आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।